ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में रूबरू होने जा रहे हैं। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इससे पूर्व की कक्षा में हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास पेपर पर चर्चा की गई थी। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास पेपर में से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिया और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभिक स्वरूप है उस पर प्रकाश डाला। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप मैं आपको समरी में सारांश में समझा दूं कि उसको चार कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया है। ये चार कालखंड है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये चार काल जो हैं उनको समय काल के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे आदिकाल का जो समय है वो 1050 ईस्वी से लेकर 1375 तक का समय है और 1375 से लेकर 1700 तक का समय भक्ति काल का है। 1700 से लेकर 1900 तक का समय जो है वो रीति काल का है और 1900 से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल माना जाता है। आधुनिक काल जो अभी सतत चल रहा है। ये चार कालखंडों को समय के आधार पर विभाजित किया गया। अब इनके नामकरण के लेकर प्रश्न उठा तो नामकरण जो है वो किसी भी काल का नामकरण करते समय तीन चार चीजें विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती रही है। वो है प्रवृत्ति विशेष के आधार पर, विषय के आधार पर या किसी महान साहित्यकार के नाम के आधार पर काल का नामकरण किया जाता रहा है। आदिकाल के नामकरण की जहां तक बात है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, बीज वपन काल भी कहा जाता है, सिद्ध सामंत युग भी कहा जाता है और इसका नाम वीरता की प्रवृत्ति के कारण वीर गाथा काल भी रखा गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने जो ये नाम दिए हैं वो किसी न किसी प्रवृत्ति विशेष के आधार पर नामकरण किया गया है। आदिकाल की हमने विशेषताएं भी देखी और आदिकाल की प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला। आज हम आदिकाल की उन प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आगे जो विचारधाराएं सामने आती हैं, जो संप्रदाय सामने आते हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से संप्रदाय विशेष रूप से आदिकाल के अंतर्गत आए गए, उनमें सिद्ध संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है और आगे रासो काव्य भी प्रचुर मात्रा में रचे गए, तो रासो काव्य भी है। तो ये जो संप्रदाय आए उनका विशेष प्रभाव जो आदिकाल पर पड़ा, आदिकाल के साहित्य पर पड़ा, वो इस रूप में है। सिद्ध साहित्य जो है उसका उद्गम बौद्ध धर्म से माना जाता है और आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की दो विचारधाराएं हीनयान और महायान रही हैं। हीनयान जो है वो सिद्धांत पक्ष में हमारे सामने आता है और महायान जो है वो व्यवहारिक पक्ष के रूप में, व्यवहारिक धरातल पर इसका प्रयोग होता रहा, तो व्यवहारिक पक्ष के रूप में महायान हमारे सामने आता है। महायान से निकलती है धारा वज्रयान की और वज्रयान से दो धाराएं निकलती है, एक सहजयान और एक मंत्रयान। फिर सहजयान से निकलता है सिद्ध सरयपाल और मंत्रयान से निकलता है तंत्रयान। और ये जो सिद्धों का स्वरूप जो है उसको राहुल सांकृत्याय ने 84 सिद्धों की वार्ता के रूप में हमारे सामने लाकर रखा। ये 84 सिद्ध हुए थे और इन सिद्धों का जो नाम है वो हर एक नाम के आगे पा लगता है, जैसे सरापा, शबरपा, लुईपा, कंठपा, ये पापा अंत में लगता है ये सिद्धों के नाम के आगे। अब इन सिद्धों की जो विशेष रूप से विशेषताएं रही, विशेष पक्ष रहे, वो ये थे कि वैदिक कर्म कांड की उलझने जो वैदिक धरातल पर थी, वैदिक काल में थी, वो कर्म कांडों की ज्यादा उलझने थी, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये सिद्ध हमारे संप्रदाय सामने आता है। इसमें त्याग के स्थान पर भोग सुख का अधिक प्रयोग हुआ। समाधि, जंत्र तंत्र, दाकिनी शाकिनी, भैरवी चक्र, मध्य मैथुन आदि में ये संप्रदाय उलझ कर रह गया। नारी को सिद्ध समाधि का और सिद्धि का
साधन समझ लिया गया और भोग की जो प्रवृत्ति है वो प्रमुख रूप से सामने आई। फिर इनके जो सिद्धों की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं साहित्य की, इसमें गुरु को अधिक महत्व दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। जो आगे चलकर अपन कबीर में देखते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो गुरु को गोविंद से भी अधिक प्रमुख स्थान सिद्धों ने भी दिया। गुरु का महत्व इनके साहित्य में मिलता है। फिर है साधना क्रिया और चर्या पदों की प्रमुखता तांत्रिक धरातल पर मिलती है। साधना में इन्होंने शिव और शक्ति को मिथुनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। फिर एक बड़ी विशेषता यह है कि इस संप्रदाय ने, सिद्धों के साहित्य ने, सिद्धों के साहित्य में जाति पाति और वर्ण का भेद जो है वो नहीं मिलता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि मुह बजे सो हरि का होई, कबीरदास जी जिस बात को कहते हैं उसका उद्गम हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। आगे चलकर जो कबीर, दादू, रैदास इत्यादि के साहित्य में जो चीज मिलती है उसका उद्गम आपको सिद्ध साहित्य में देखने को मिलेगा। फिर ये वैदिक जो देवता है उनके प्रति अनास्था का भाव प्रकट हुआ है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है इन लोगों ने, पौराणिक जो रूढ़ियां थी उनका खंडन किया और वेदों के प्रति भी इनमें विरोध का भाव सामने आया। चमत्कार प्रदर्शन देखने को मिलता है, मंत्रों में, यंत्रों में बीजाक्षरों का चलन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो तांत्रिक पद्धतियां हैं, भोग सुख की जो प्रवृत्ति है वो इस काल के साहित्य में, संप्रदाय में देखने को मिलती है। तांत्रिक काल में जो वैष्णवों के पांच रात्र हैं, उन पांच रात्रों का अंग स्वीकार किया गया, जिसमें ज्ञान पद है, योग पद है, क्रिया पद है और चर्या पद है। ये चार पाद जो हैं वो स्वीकार किए गए। अब इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा इस साहित्य का, तो भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सांधी भाषा का इसमें प्रयोग मिलता है आपको, जो अर्धमागधी और अपभ्रंश इन दोनों के समायोजन से सामने आती है। सांधी भाषा उसका प्रयोग इस काल की साहित्य में देखने को मिलता है। अब संत साहित्य जो है उसका आदि स्रोत जो है वो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलेगा। भक्तों के अवतारवाद पर महायान शाखा का विशेष प्रभाव पड़ा है। अब ये जो भोली भाली जनता थी, जो नरेशों के अत्याचार से, उनकी स्वेच्छाचारिता से, उनके पराजय पतन से त्रस्त हो गई थी और निराशा के गर्त में गिर गई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया, निराशावाद के भीतर आशावाद का संचार किया, संदेश दिया। सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो है विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख करती है और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है इस साहित्य का। मंत्रों के द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहे गए, ये ईश्वरवाद की तरफ अग्रसर हुए, ग्रस्त जीवन पर इन्होंने बल दिया, स्त्री का सेवन संसार रूपी विषय से बचने के लिए किया गया, भोग में निर्वाण की भावना मिली, जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति में विश्वास के कारण सिद्धों का जो सिद्धांत पक्ष है वो सहज मार्ग कहलाया। 84 सिद्धों की रचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं और प्रत्येक सिद्ध के आगे पाद जुड़ा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये सारे सिद्ध के जो सिद्ध हैं वो आपको लगभग अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखने वाले मिलेंगे और इन्होंने साधना की जो मुद्राएं हैं, कापाली मुद्रा, लोम्बी मुद्रा इत्यादि का अधिक से अधिक इनका उपयोग किया और निम्न जाति की जो ये नायिकाएं हैं, कपाली, डोम्बी इत्यादि निम्न जाति की नायिकाएं हैं, उनका उपयोग किया गया। अपभ्रंश और अर्धमागधी के निकट की जो भाषा है, सांधी भाषा का अधिक से अधिक इसके अंदर प्रयोग किया गया और इनकी रचनाओं में आपको ज्यादातर शांत और श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलेगा। ये रचनाएं तीन प्रकार से लगभग हमारे सामने आती हैं, एक तो नीति और आचार से संबंधित है, फिर दूसरी उपदेशात्मक है,
तीसरी साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित रचनाएं हैं। गुरु जो है इसमें, गुरु जो काम करता है वो दौत्य का काम करता है और दौत्य क्रिया संपन्न करवाता है। कापालिक व नायिकाओं को स्वकिया, परकिया, सामान्य, प्रौढ़ा, मुग्धा, अभिसारिका आदि की कोटि में रखा जा सकता है। तो लगभग ये विशेषताएं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। और अब इसके बाद में हम सिद्ध साहित्य के बाद में जैन साहित्य पर, बौद्ध साहित्य पर, नाथ साहित्य पर और रासो काव्य पर प्रकाश डालेंगे, एक एक करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।